to my channel. Today in this video we will be starting with the synopsis of periodontics, and in the very first video of periodontics I'll be dealing with curettes. So curette is a very important topic. As a periodontist you should know about curettes, as well as it also important at the point of view of the exam. So what is a curette? Curette is any hand activated instrument that is used in dentistry for the purpose of oral hygiene and can be used in the procedures like scaling and root planing. तो अगर हम हिंदी में बात करें तो curette एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा instrument होता है जो हम हाथ से use करते हैं scaling, root planing इन सब चीजों के लिए जो हम use करते हैं, that is curette. अब let's talk about the parts of curette. ठीक है, so we have majorly we have three parts of curette. We have a handle, we have a shank, and we have a blade. Can you see this? I can also show you some other figures. Can you see this? It's a curette, and in curette you're going to have the middle portion, which is very broad and gray in color. This is your handle through which you're going to grasp this curette. Aap isko pakdenge, modified pen grasp करेंगे और आप इसको use करेंगे, तो ये जो बीच वाला मोटा part है इसको हम handle बोलेंगे. उसके बाद जो एक part straight जा रहा है, ठीक है, और जाके slight curve हो रहा है, ये shank होता है. और shank के आगे बिल्कुल, जब आप अगर real life में curette देखें कभी हाथ में उठा के, तो आपको आगे से एक ऐसी तेज धार सा surface दिखेगा बिल्कुल आगे shank के आगे, वो होता है blade. ओके, अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो इस टाइप से दिखता है, हैंड, शैंक एंड ब्लेड. ब्लेड की काफी सारी टाइप्स होती हैं, वो आप छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है. तो आप ये मेन पार्ट्स आपको पता होने चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द टू टाइप ऑफ क्यूरेट्स. अब हमारे पास दो टाइप की क्यूरेट्स होती हैं, एक ग्रेसी क्यूरेट्स होती हैं, एक यूनिवर्सल क्यूरेट्स होती हैं. दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? जो यूनिवर्सल क्यूरेट होती है वो यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जो ग्रेसी क्यूरेट्स होती है वो एरिया स्पेसिफिक क्यूरेट्स होती हैं. ठीक है, हर एक स्पेसिफिक एरिया के लिए एक स्पेसिफिक क्यूरेट होती है, लेकिन यूनिवर्सल क्यूरेट्स ऐसी नहीं होती. दूसरी चीज क्या होती है कि ग्रेसी क्यूरेट में सिर्फ एक ही कटिंग एज होता है. जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया था अभी, यहाँ पे ये क्यूरेट है, ये आगे वाला जो इसका पार्ट होता है शार्प पार्ट, उसको ब्लेड कहते हैं, उसमें एजेस होते हैं. ठीक है, दैट ब्लेड हैज एजेस. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टर्मिनल एंड होता है, फेस होता है, लेटरल कटिंग एज होता है. तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही एज है ब्लेड में तो वो आपका ग्रेसी क्यूरेट होता है, लेकिन अगर आपके पास टू कटिंग एजेस हो तो वो यूनिवर्सल क्यूरेट होता है. ठीक है, अगर एक ही कटिंग एज होगा तो वो कौन सा वाला होगा? आउटर एज होगा. और अगर दो कटिंग एज होंगे तो आउटर और इनर दोनों होंगे. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि ग्रेसी क्यूरेट में जो ब्लेड है दैट इज कर्व्ड इन टू प्लेन्स, दो प्लेन में वो चीज कर्व्ड हुई हुई है, एक तो ऊपर जाती है और एक साइड की तरफ जाता है. लेकिन अगर यूनिवर्सल क्यूरेट की बात करें तो हमारे पास जो ब्लेड है वो सिर्फ एक ही प्लेन में कर्व हुआ हुआ है, दैट इज अपवर्ड साइड में वो कर्व हुआ हुआ है. ठीक है, ऑफसेट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन योर लाइक ब्लेड एंड दैट शैंक पार्ट, तो वो दैट इज 60 डिग्री इन ग्रेसी क्यूरेट्स. 60 टू 70 डिग्रीज होता है ग्रेसी क्यूरेट्स में, और यूनिवर्सल क्यूरेट्स में दैट इज 90 डिग्रीज. ठीक है, तो अगर आपको मैं नॉर्मली दिखाना चाहूँ तो ये जो सारी है हमारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी हमारी ग्रेसी क्यूरेट्स हैं. ग्रेसी क्यूरेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 9 टाइप की ग्रेसी क्यूरेट्स होती हैं. ग्रेसी क्यूरेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 1780. उसी तरीके से अगर हम यूनिवर्सल क्यूरेट की बात करें तो ऐसे कोई एज सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिखी गई है, बट या यू शुड नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट ग्रेसी क्यूरेट. तो ग्रेसी क्यूरेट की अगर हम बात करें टाइप्स की, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर के 18 तक हमारे पास ग्रेसी क्यूरेट्स होती हैं. जो 1, 2, 3, 4 होती है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, वो हम एंटीरियर्स में यूज करते हैं. एंटीरियर का क्या मतलब होता है? एंटीरियर दांत में कौन कौन से दांत आते हैं? हमारे इनसाइजेस आते हैं, लेटरल इनसाइजेस आते हैं और केनाइन्स आते हैं. ठीक है, जो आगे की तरफ हमें दिखते हैं वो ये होता है. अगर हम बात करें 5, 6 वाली क्यूरेट की, जो 5, 6 वाली नंबर होती है वो हमारे एंटीरियर्स में यूज हो जाती है और प्रीमोलर्स में भी हो जाती है. दूसरी चीज हम बात करें हमारी 7, 8 और 9, 10, वो हमारी पोस्टीरियर दांतों में यूज होती है, लेकिन उसके फेशियल और लिंगुअल सर्फेसिस पे यूज होती है.
इलेवन ट्वेल्व वाली भी हमारी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का क्या मतलब है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स उनमें यूज होती है, उसकी मीजल सरफेस पे यूज होती है सिर्फ इलेवन ट्वेल्व, और थर्टीन फोर्टीन हमारी सिर्फ डिस्टल सरफेस पे यूज होती है पोस्टीरियर में। जो फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन एटीन ग्रेसी क्यूरेट्स होती हैं, ये मॉडिफिकेशंस होती हैं। जो फिफ्टीन सिक्सटीन क्यूरेट होती है उसमें जो ब्लेड होता है वो वैसा ब्लेड होता है जैसे कि इलेवन ट्वेल्थ का ब्लेड होता है, और उसका जो शैंक होता है वो थर्टीन फोर्टीन जैसा होता है, और जो सेवनटीन एटीन वाली क्यूरेट होती है उसका जो ब्लेड होता है वो थर्टीन फोर्टीन जैसा होता है, लेकिन जो उसका शैंक होता है वो लेंस में बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है, 3 mm का गैप आता है, 3 mm बड़ा होता है, दैट इज सेवनटीन एटीन क्यूरेट। तो छोटा सा क्लासिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि जो वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स है ये एंटीरियर्स में यूज होती है, प्लस फाइव सिक्स प्रीमोलर्स में भी यूज होती है, सेवन एट नाइन टेन जो है वो प्री मोलर्स में यूज होते हैं, पोस्टीरियर्स में यूज होते हैं फेशियल लिंगुअल सरफेस पे, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन जो है पोस्टीरियर्स में यूज होती हैं, इलेवन ट्वेल्व नीजल में यूज होती है, थर्टीन फोर्टीन डिस्टल में यूज होती है, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन मॉडिफिकेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, हमारे पास काफी सारे मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ होती हैं एक्सटेंडेड शैंक क्यूरेट, जैसे कि नाम बता रहे हैं यहाँ पे जो शैंक होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इनको हम आफ्टर फाइव क्यूरेट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शैंक इज एक्सटेंडेड 3 mm दैट इज स्टैंडर्ड क्यूरेट व्हिच अलाउज द एक्सटेंशन टू डीपर पेरिओरल पॉकेट्स। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों शैंक बड़ा होता है, क्योंकि बड़े शैंक की वजह से अगर कोई बड़ी चीज होगी तो वो आसानी से अंतर डीपर जाएगी और पॉकेट्स वगैरह में उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी। दे आर अवेलेबल इन ऑल स्टैंडर्ड ग्रेसी नंबर्स, सारी की सारी जितनी भी स्टैंडर्ड ग्रेसी हमने पढ़ी है वो सारी एक्सटेंडेड शैंक में भी अवेलेबल होती है, सिर्फ 9-10 वाली नहीं होती, ठीक है। फिर आती है मिनी ब्लेडेड क्यूरेट्स, मिनी ब्लेडेड क्यूरेट्स का क्या मतलब होता है, उनको हम मिनी फाइव क्यूरेट्स भी बोलते हैं। इसमें फर्क क्या होता है कि ये एक तो आफ्टर फाइव क्यूरेट्स की मॉडिफिकेशन होती है, मतलब एक्सटेंडेड होती है, लेकिन इसका फर्क क्या होता है, इनका जो ब्लेड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो हाफ ऑफ कन्वेंशनल क्यूरेट होती है। अगर कन्वेंशनल क्यूरेट की लेंथ एक्स होती है, कन्वेंशनल क्यूरेट की ब्लेड की लेंथ अगर एक्स होती है, तो मिनी ब्लेडेड क्यूरेट्स की जो ब्लेड की लेंथ होती है वो एक्स बाय टू होती है, लेकिन ये 3 mm एक्सटेंडेड शैंक वाली होती है, ठीक है। शॉर्टर ब्लेडर क्यों जरूरी होता है, बिकॉज ये इंसर्शन और अडेप्टेशन इन डीपर पॉकेट्स और फर्केशंस में अलाउ करते हैं, मतलब डीपर पॉकेट्स और फर्केशंस में यूज कर सकते हैं उसको। ये भी सारे स्टैंडर्ड ग्रेसी क्यूरेट्स में अवेलेबल है, बस 9-10 में अवेलेबल नहीं होती। आई कैन शो यू द डायग्राम, आई कैन शो यू द डिफरेंस, कैन यू सी दिस। अगर हमारा स्टैंडर्ड ग्रेसी क्यूरेट का शैंक, शैंक की जो ब्लू वाला पार्ट है लंबा वाला, ये शैंक है, ठीक है, ये 3 mm बढ़ गया है, ठीक है, 3 mm इसकी लेंथ बढ़ गई है, तो ये आफ्टर फाइव मिनी फाइव दोनों में बड़ा होता है। फर्क क्या होता है कि जो मिनी फाइव का ब्लेड होता है 50% शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, इन कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड छोटा होता है। आफ्टर फाइव का ब्लेड वैसा ही होता है जैसे स्टैंडर्ड का होता है, बस मिनी फाइव का हाफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन ग्रेसी क्यूरेट्स। अमेरिकन ग्रेसी क्यूरेट्स चार मिनी ब्लेडेड क्यूरेट का सेट होता है, मिनी ब्लेडेड होती है ये, मतलब इनका ब्लेड हाफ ऑफ कन्वेंशनल क्यूरेट होता है, ब्लेड की जो लेंथ होती है वही 50% शॉर्टर ऑफ कन्वेंशन होगी, इट्स द सेम सी बात है, एंड द ब्लेड हैज बीन कर्व्ड स्लाइटली अपवर्ड। फर्क क्या होता है अमेरिकन ग्रेसी क्यूरेट और मिनी ब्लेडेड में, अमेरिकन ग्रेसी क्यूरेट का जो ब्लेड होता है वो स्लाइटली अपवर्ड की तरफ होता है। दिस अलाउज द क्यूरेट टू अडैप्ट मोर क्लोजली टू टू सरफेस स्पेशली ऑन एंटीरियर्स एंड लाइन एंगल्स। क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि हमें ज्यादा बेटर अडेप्टेशन चाहिए, ठीक है, इसकी अडेप्टेशन चाहिए एंटीरियर्स की और लाइन एंगल्स की चाहिए, तो इसलिए हम अमेरिकन ग्रेसी क्यूरेट्स यूज करते हैं। अमेरिकन ग्रेसी क्यूरेट्स सब 0, 1, 2, 11, 12 और 13, 14 में अवेलेबल होती हैं। जो सब 0 और 1, 2 होती है वो एंटीरियर्स और प्री मोलर्स के लिए यूज करते हैं, सिर्फ मोलर्स के लिए यूज नहीं करते। 11, 12, 13, 14 जो होती हैं ये हम पोस्टीरियर्स के लिए यूज करते हैं, पोस्टीरियर मतलब प्री मोलर मोलर, और उसमें से भी 11, 12 मीजल के लिए यूज होती है, 13, 14 हमारी डिस्टल के लिए यूज होती है। तो आपको याद रखना है कि सब 0, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 पोस्टीरियर्स के लिए, एक मीजल के लिए, डिस्टल के लिए, दैट्स इट। नेक्स्ट वी कम अप टू अनदर टाइप ऑफ क्यूरेट, दैट इज लैंगर एंड मिनी लैंगर क्यूरेट्स। ये तीन क्यूरेट का सेट होता है जिसमें शैंक का डिजाइन स्टैंडर्ड ग्रेसी क्यूरेट जैसे कि 5, 6, 11, 12 और 13, 14 जैसा होता है, विद यूनिवर्सल ब्लेड एंगल्स एट 90 डिग्री। इनका जो ब्लेड होता है वो यूनिवर्सल क्यूरेट जैसा होता है, लेकिन जो उसकी शैंक का डिजाइन होता है वो ग्रेसी क्यूरेट 5, 6, 11, 12 और 13, 14 जैसा होता है।
दिस अलाउज द एडवांटेज, इसमें हमें दोनों चीजों की एडवांटेज मिल जाती है, हमें एरिया स्पेसिफिक क्यूरेट की शैंक की एडवांटेज मिल जाती है और हमें यूनिवर्सल क्यूरेट की वर्सेटैलिटी की एडवांटेज मिल जाती है। तो इनका नंबर क्या होता है, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। 5, 6 जो होती है वो हम एंटीरियर्स के लिए यूज करते हैं, 1, 2 जो होती है वो हम मैंडिबुलर पोस्टीरियर्स के लिए यूज करते हैं, और जो 3, 4 होती है वो मैक्सिलरी पोस्टीरियर्स के लिए। आप याद रखिए कि ऊपर के लिए 3, 4 यूज करेंगे, नीचे मैंडिबल के लिए 1, 2 यूज करेंगे, और एंटीरियर्स के लिए दोनों ऊपर नीचे के लिए हम 5, 6 यूज करेंगे। दोनों ही सॉरी तीनों ही मेसल और डिस्टल सर्फेस किसके लिए यूज होते हैं। सो दिस इज अबाउट लैंगर एंड मिनी लैंगर। आई कैन ऑल्सो शो यू दैट इमेज, दिस इज फॉर अमेरिकन ग्रे सिग्यूरेट्स, एंड actually I'm not having a langer mini langer, yeah. So that was a short video on the curates. I hope you find it useful, and if you like it, do subscribe to my channel. Thank you.